अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक हसीब एंड इंसिया प्लेटफॉर्म से डॉक्टर हसीब बात कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अपर लिम का है। अपर लिम बेसिकली जो भी लाइसेंस एग्जाम है पार्ट वन, NLE, JCAT, हमने इसमें टू द पॉइंट स्टडी करनी है। अपर लिम को हम इंशाल्लाह 5 वीडियोज़ में डिवाइड करेंगे और फर्स्ट वीडियो में हम जैसे अपर लिम की बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सेकेंड में हम उसके मसल्स के बारे में, देन नर्व, देन वेजल्स के बारे में। तो अगर मैं अपर लिम की बोन्स की बात करूं तो अपर लिम बेसिकली क्या चीज़ है? हमारे बाजू जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये हमारा हाथ हो गया, हैंड, आर्म, अपर आर्म, शोल्डर, क्लेविकल, हम इसको अपर लिम में कंसिडर करेंगे। अब सबसे पहले अगर मैं बोन्स की बात करूं तो मैं क्लेविकल से स्टार्ट करूंगा और हमारी स्टडी क्लिनिकल ओरिएंटेड होगी। सबसे पहले क्लेविकल क्या है कि हमारी जिसको ये ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, कॉलर बोन भी बोलते हैं, ये इस तरह यहाँ पे पड़ी होती है। अगर यहाँ पे आप हाथ लगाओगे जो आपको बोन फील होगी इसको क्लेविकल की बोन बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ तो आपके बॉडी में लॉन्गेस्ट हॉरिजॉन्टल जो बॉन पड़ी होती है, अगर कोई बंदा पूछे कि बॉडी में लॉन्गेस्ट हॉरिजॉन्टल बोन कौन सी है तो आप क्लेविकल को लेबल करोगे जो कि ये वाली बोन है। ठीक है, इधर से इसने स्टर्नम के जो ये वाली हमारी बोन इतना पड़ी होती है, जो ये सख्त हड्डी है ये स्टर्नम की बोन है, जो ये वाली बोन है ये वाली क्लेविकल की बोन है, और इधर जाके इसने हमारे जो ये बैक बोन, ये बोन होती है स्कैपुला की, स्कैपुला के साथ इसने अपना ज्वाइंट बनाया होता है। ज्वाइंट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्लेविकल के बारे में सबसे पहले अगर कोई बंदा पूछे कि वो कौन सी बोन है कि लॉन्गेस्ट हॉरिजॉन्टल बोन, तो क्लेविकल की बोन पहला पॉइंट। दूसरे नंबर पे वो कौन सी बोन है जो इंट्रा यूट्राइन ओसिफिकेशन होती है, कि मतलब कि यूट्रस के अंदर इसकी ओसिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है, वो भी क्लेविकल की बोन है, 2 पॉइंट। तीसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs आता है क्लेविकल के बारे में कि क्लेविकल का फ्रैक्चर कहाँ पे होता है। क्लेविकल की ये है कि लाइक कोई बंदा है उसका आउटस्ट्रेच हैंड है, हाथ खुला हुआ था और वो कोई बंदा है, लेट्स सपोज के वो नीचे गिरा है और सारा जो अपर लिम का वजन है वो क्लेविकल के ऊपर आता है। क्लेविकल का बार बार MCQ होता है फ्रैक्चर कहाँ पे होता है, ये मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3। ठीक है, मीडियल साइड से ज्यादा फासला, लेटरल साइड से फासला का, मीडियल अंदर वाली साइड, लेटरल बाई वाली साइड, तो मीडियल से 2/3 होएगा और मतलब के इधर से 2/3 फासला और उधर से कम फासला होएगा लेटरल से ना, मीडियल 2/3 लेटरल 1/3 से ये क्लेविकल की बोन फ्रैक्चर होती है। उसके बाद एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट MCQ आता है, वो कौन सा लिगामेंट है जो कि हमारे अपर लिम का, लेट्स सपोज कि मैंने इस चीज में वजन उठाया है, तो वो कौन सा लिगामेंट है जो मेरे अपर लिम का वजन है वो मेरी छाती तक ले गया रहा है, थोरेक्स तक ले गया आ रहा है, तो क्रैको क्लेविकुलर, वो कौन सा लिगामेंट है जो कि अपर लिम का सारा जो प्रेशर है वो मेरी चेस्ट तक ले गया आ रहा है, तो क्रैको क्लेविकुलर, ये आपने जो है वो याद रखना है। उसके बाद हम जब क्लेविकल से निकल के आ गए, उसके बाद हमारे पास एक बैक पे ये जो मेरी बोन पड़ी होती है, ये वाली जो बोन है इसको स्कैपुला की बोन बोलते हैं। ठीक है, स्कैपुला की जो बोन है, अगर ये हमारा आप कह लो कि ये वाला अगर थोरेसिक केज है तो इसके पीछे जो बोन है ये स्कैपुला की बोन इस तरह लगी होती है। अब कोई बंदा पूछे वो कौन सा ऐसा मसल है जो कि स्कैपुला को चेस्ट की बोन के साथ जोड़ के रखता है, तो आपने कहना है वो सिरेटस इंटीरियर मसल है। अब सिरेटस इंटीरियर मसल को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? लॉन्ग थ्रेसिक नर्व। सिरेटस इंटीरियर मसल स्कैपुला को चेस्ट के साथ, थोरेसिक वॉल के साथ जोड़ के रखता है, किस मसल की मदद से? सिरेटस इंटीरियर की मदद से। अब वो कौन सी नर्व है जो सिरेटस इंटीरियर को सप्लाई करती है? लॉन्ग थ्रेसिक नर्व। लेट्स सपोज लॉन्ग थ्रेसिक नर्व डैमेज हो जाती है, तो इट मीन्स के जो सिरेटस इंटीरियर है वो पैरालाइज हो गया। सिरेटस इंटीरियर पैरालाइज अगर हो गया तो जो स्कैपुला है वो चेस्ट के साथ लगी हुई थी वो अब नहीं लगी रहेगी, तो स्कैपुला चेस्ट को छोड़ देगा और विंगिंग हो जाएगी, मतलब कि पीछे उठ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विंगिंग ऑफ स्कैपुला में कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है? लॉन्ग थ्रेसिक नर्व। वो क्यों इन्वॉल्व होती है? उसने सिरेटस इंटीरियर को सप्लाई करना है। जब सिरेटस इंटीरियर को सप्लाई नहीं, सिरेटस एंटीरियर को जब वो सप्लाई नहीं करती तो जो विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉन्ग थ्रेसिक नर्व के डैमेज से विंगिंग ऑफ स्कैपुला होता है, और लॉन्ग थ्रेसिक नर्व किस मसल को सप्लाई करती है? सिरेटस एंटीरियर को। उसके बाद यहां से हम निकल गए, थोड़ा सा ना एक मतलब के और क्वेश्चन आता है स्कैपुला के हवाले से। स्कैपुला का मतलब के इस पे ना जिस तरह हमारी एनाटॉमी होती है, लेट्स सपोज के ये अगर स्कैपुला है, स्कैपुला जस्ट सपोज कर लो, मैं ज्यादा एनाटॉमी में नहीं जा रहा। ठीक है, इसके एक ऊपर सुपरा ग्लेनाइट ट्यूबरकल होता है, जो ग्लेनाइट कैविटी जहाँ पे हमारा ह्यूमरस अटैच होता है ना स्कैपुला के साथ, उस कैविटी को आप कह लो कि उस कैविटी के ऊपर नीचे सपोज करो, उस ग्लेनाइट कैविटी सपोज करो कहते हैं। ठीक है, उस कैविटी के ऊपर ट्यूबरकल बना होता है, एक ऊपर उभार बना होता है, प्रोमिनेंस बनी होती है, नीचे प्रोमिनेंस बनी होती है। जो ऊपर वाली प्रोमिनेंस है उसको सुपरा ग्लेनाइट ट्यूबरकल बोलते हैं, सुपरा ग्लेनाइट ट्यूबरकल।
जो नीचे वाली है प्रोमिनेंस, उसको इंफ्राग्लेनाइट टूबरकल बोलते हो। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि पेपर में बाउस का एमसीक्यूज आ जाता है कि जो सुप्राग्लेनाइट टूबरकल है उसके साथ कौन सा मसल अटैच होता है, जो इंफ्राग्लेनाइट टूबरकल है उसके साथ कौन सा मसल अटैच होता है। जो इंफ्राग्लेनाइट टूबरकल है नीचे वाला, याद रखना कि इंफ्राग्लेनाइट टूबरकल के साथ लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई। इंफ्रा के साथ क्या है, इंफ्रा नीचे है ना, तो ट्राइसेप हम मोस्टली पीछे मसल कहते हैं, तो वो नीचे लगा और बैक साइड पे चला गया। सो इंफ्राग्लेनाइट टूबरकल के साथ लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई और सुप्राग्लेनाइट टूबरकल के साथ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई। स्कैपुला के बारे में अभी तक हमने विंगिंग स्कैपुला पढ़ा लॉन्ग थ्रेसिक नर्व डैमेज होने की वजह से, सुप्राग्लेनाइट इंफ्राग्लेनाइट टूबरकल के बारे में पढ़ा, ये चीजें आपने पढ़ ली अभी तक, याद हो गया ना। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि अब स्कैपुला से थोड़ा सा हम बाहर निकल आते हैं, आगे चलते हैं ह्यूमरस की तरफ। ह्यूमरस के जो ये हमारी जो बोन है, ये ह्यूमरस की बोन होती है। ह्यूमरस का जो हेड है वो स्कैपुला के साथ अटैच है, और ये सपोज करो कि ह्यूमरस का हेड है और ये ह्यूमरस की बॉडी है, सेंटर में एक नेक होती है। ह्यूमरस के बारे में याद रखना कि ह्यूमरस की नेक इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमरस की दो नेक होती हैं, एक को सर्जिकल नेक बोलते हो, एक को एनाटॉमिकल नेक बोलते हो। सर्जिकल नेक, एनाटॉमिकल नेक, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अगर ह्यूमरस की सर्जिकल नेक डैमेज होगी तो कौन सी नर्व डैमेज होगी, एक्सिलरी नर्व, एसए नोड से याद कर लो, एसए नोड। अगर सर्जिकल नेक ह्यूमरस की डैमेज होगी तो कौन सी नर्व जाएगी, एक्सिलरी, और अगर एनाटॉमिकल नेक उसकी डैमेज होगी ह्यूमरस की तो फिर कौन सी नर्व जाएगी, रेडियल नर्व। ये बात ह्यूमरस के बारे में याद हो गया। ओके, उसके बाद याद रखिएगा कि ह्यूमरस के बारे में कि ह्यूमरस की बोन के पीछे एक लाइन होती है जिसको ग्रूव बोलते हैं, एक नाली बनी होती है। अगर कोई बंदा पूछे कि ह्यूमरस की, अगर उसको रेडियल ग्रूव बोलते हैं, ठीक है, रेडियल ग्रूव में क्या है, रेडियल नर्व पड़ी होती है, तो कोई बंदा पूछे कि अगर रेडियल ग्रूव में, ह्यूमरस के रेडियल ग्रूव में डैमेज हुआ है तो आपके लोग कौन सी नर्व डैमेज होगी, तो आपने कहना रेडियल नर्व। ये सबको पता होता है। अब एक इजाफी चीज़ क्या है कि अगर रेडियल नर्व डैमेज हुई है तो बाद कर पूछ लेते हैं कि आर्टरी कौन सी डैमेज होगी, अगर रेडियल ग्रूव में डैमेज हुआ है तो प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी डैमेज होती है। ठीक है, उसके बाद ह्यूमरस को छोड़ के हम नीचे आ गए, रेडियस अल्ना आ गई, उसके बाद आप आ जाओ रिस्ट बोन्स पे। जो बोन्स जो एमसीक्यू क्लिनिकल इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको वो करवाऊंगा इंशाल्लाह, इन 5 वीडियोस में आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। अभी आपके लोग के रिस्ट की बोन्स आ जाओ। हमारी क्या होता है कि ये रिस्ट की हड्डियाँ, ठीक है, क्लाई बोलते हो, ठीक है ना, ये उसके बाद आ जाती हैं मेटाकार्पल और कार्पल की बोन्स, और ये फ्लेंजिस की बोन आ जाती हैं। ठीक है जी, रिस्ट की बोन्स आ गई, ठीक है ना। रिस्ट में 8 बोन्स होती हैं, ठीक है, 8 बोन्स होती हैं, ये 2 लेयर होती हैं, ठीक है ना। तो पहले 4 हड्डियां पड़ी हुई हैं, ठीक है, रिस्ट में प्रोक्सिमल एंड पे, उसके बाद अगली 4 हड्डियां पड़ी हैं, इस तरह ये 8 हड्डियां पड़ी होती हैं। आपको इनके नाम आने चाहिए, बिकॉज सबके नाम ना भी आते हों एक बार पढ़ लो, हमने इसमें जो क्लिनिकल ओरिएंटेड बातें हैं वो ये याद रखनी है। ठीक है, जो पहली लाइन होती है उसके बारे में एक बहुत ज्यादा जबरदस्त लफ्ज है, शी लुक्स टू प्रिटी। ठीक है, 4 लफ्ज, शी स्केफाइड लुक्स एल लुनेट, ठीक है, ए टू।